आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से साइंटिस्ट फिर से मानने लगे कि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अभी आप एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल है। अब सोचिए कि आप अपने ग्रैंडफादर के कोई एक बात पसंद नहीं करते हैं और आपको लगता है कि अगर आपके ग्रैंडफादर ही नहीं होते तो कैसा होता। तो जैसे कि टाइम ट्रैवल का टेक्नोलॉजी आपके पास अभी अवेलेबल है, तो आप एक टाइम मशीन में जाकर आपके ग्रैंडफादर से मिलते हैं और उसको मार देते हैं। तो अब आपके यंग ग्रैंडफादर आपके ग्रैंडमदर से कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपके फादर यानी आपके पापा भी कभी जन्म ही नहीं लेंगे और ना ही आप। अगर आप ही कभी जन्म नहीं लोगे तो टाइम में पीछे जाके कैसे अपने ग्रैंडफादर को मार सकते हैं। तो इसका मतलब आप कभी टाइम में पीछे नहीं जा सकते हैं और ना आप कभी अपने ग्रैंडफादर को मार सकते हैं। स्ट्रेंज राइट? इसी को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो कहीं मत जाइए, अगले कुछ मिनट्स में आपका दिमाग हैंग होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप खुद ही इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप साइंस स्कूप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। तो इस सीक्रेट को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1970s में रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने सेल्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर एक प्रिंसिपल को बनाया जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड था। इस प्रिंसिपल के मुताबिक स्पेस टाइम का फैब्रिक कर्व्ड होता है और इस कर्वेचर में कुछ स्पेशल लाइंस होते हैं जो कि टाइम के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को वायलेट करने से रोकता है। इसका मतलब टाइम ट्रैवल सिर्फ उसी कुछ स्पेशल लाइंस के जरिए ही हो सकता है। तो अगर टाइम ट्रैवल सिर्फ उसी स्पेशल लाइंस के जरिए ही पॉसिबल है तो इसका मतलब अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो स्पेशल लाइंस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को वायलेट करने से रोकता है। किप थॉर्न जो कि एक फिजिसिस्ट है, उनके मुताबिक वर्म होल इसी स्पेशल लाइंस में मौजूद है। ये वर्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल होता है जो कि स्पेस टाइम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जोड़ता है। अगर आपको वर्म होल के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एनीवे, ये वर्म होल ही बताता है कि वर्म होल के हर एक इवेंट्स साइक्लिकल और सेल्फ कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब टाइम ट्रैवलर्स यानी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई फिजिकल बैरियर्स आपके रास्ते में ज़रूर आएगा या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको अपने ग्रैंडफादर को मारने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब कैसे भी करके आप अपने ग्रैंडफादर को नहीं मार सकते हैं। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दो स्टूडेंट्स फर्नांडो एक्वेडिया और गनर क्लिंकहैमर किप थॉर्न के साथ मिलकर वर्म होल के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाया और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बिलियर्ड बॉल से सॉल्व करने का कोशिश किया। इसके बाद उन लोगों ने देखा कि अगर बिलियर्ड बॉल को एक एंगल के साथ वर्म होल के अंदर फेंका जाए और वो एक सही रास्ते पे चलता जाए तो वो वर्म होल से उस वक्त बाहर आएगा जब हम उसे फेंकने वाले होंगे, जिससे कि होगा ये कि अभी का बॉल और फ्यूचर का बॉल आपस में टकरा जाएगा और इससे वो बॉल वर्म होल में कभी भी अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन बाद में जब और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ तब साइंटिस्टों को ये पता चला कि वर्म होल कुछ इस तरीके से बना है कि दोनों बॉल आपस में तो टकराएंगे ही लेकिन एक बॉल दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगा। ऐसा ही सेम इंसिडेंट आपके ग्रैंडफादर के साथ भी होगा। वो आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे तुम्हारे जैसे ही दिखने वाले किसी ने मुझे बहुत सालों पहले मारने का कोशिश किया था। तो आपको अभी समझ आया कि बॉल तो आपस में टकराएंगे ही मगर
वो बॉल दूसरे बॉल का रास्ता नहीं रोक पाएगा। इसीलिए जब भी आप अपने ग्रैंडफादर को मारने जाओगे, तब या तो आपका गन जैम हो जाएगा या किसी भी तरह वो बुलेट आपके ग्रैंडफादर को नहीं लगेगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स के डार्क वेब सीरीज के सीजन 3 में जब जोनस अपने आप को मारने का कोशिश कर रहा था, तब उसका गन जैम हो जाता था, लेकिन जब ही वो दूसरी डायरेक्शन में गोली चलाता है तब उसका गन एकदम ठीक चलता है, क्योंकि उसका फ्यूचर अभी तक जिंदा है, इसलिए वो अपने आप को मार नहीं सकता। सिंपली समझे तो अगर आप पास्ट में जाके खुद को मारने का कोशिश करेंगे और अगर आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है तो आप खुद को कभी नहीं मार पाओगे। तो इसका मतलब आप अपने मर्जी से नहीं बल्कि नेचर के मर्जी से मरोगे। ऑल राइट, तो अब इसका सलूशन क्या है? फॉर्चुनेटली ऐसा एक सलूशन हमारे पास मौजूद है। तो इसके लिए हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखना चाहिए, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ था, जिससे साइंटिस्टों को पता चला कि लाइट की तरह ही इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों हैं। तो इसी प्रिंसिपल को मानते हुए फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने मल्टीपल यूनिवर्स या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। आपके ग्रैंडफादर के मरने के बाद आपने एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स या दूसरे एक यूनिवर्स को बना दिया है, यानी इस यूनिवर्स से सिमिलर एक और यूनिवर्स, जहां पे आपके ग्रैंडफादर को आपने गोली मार के मार दिया था, लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स में आपके ग्रैंडफादर जिंदा है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है डार्क वेब सीरीज, जहाँ पे जब अपोकलिप्स आया था तब दो कंडीशन बना था। पहले में मार्था जोनस को अपनी दुनिया में ले गई थी और दूसरे में जोनस बेसमेंट में छुप के अपना जान बचा लिया था। लेकिन बाद में जब मार्था ने जोनस को गोली मारी थी, तब उस दुनिया में तो जोनस मर गया था, लेकिन दूसरे दुनिया में जोनस जिंदा था। तो ऐसा ही सेम चीज आपके ग्रैंडफादर के साथ भी होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो देखिए क्वांटम रियलम में नॉर्मल दुनिया का नियम नहीं चलता है, उसका कुछ अलग ही नियम है। तो अब जब दो वर्ल्ड बन चुका है, जहाँ पे एक वर्ल्ड में आप मर गए हैं और दूसरे में आपके ग्रैंडफादर जिंदा है, तो इसका मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, तो आप फिर से टाइम ट्रेवल करोगे और फिर से अपने ग्रैंडफादर को मारने जाओगे और एक नया यूनिवर्स बनाओगे, और ये लूप ऐसे चलता ही रहेगा। इसका और एक एग्जाम्पल है 1 मिनट टाइम मशीन नाम का एक शॉर्ट फिल्म, जिसमें ये लड़का इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए टाइम में बार बार पीछे जाता है और ऐसा करके वो खुद को मार रहा है और वो अपना एक और यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा है। हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन और एक टाइम पैराडॉक्स है जिससे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। इसको ऑन्टोलॉजिकल पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी थोड़ा पेचीदा है, यानी ये आपका दिमाग थोड़ा और हैंग करने वाला है। सोचिए कि आप एक टाइम मशीन बनाए हैं और आप टाइम में पीछे जाते हैं अपने आप को ये सिखाने के लिए कि टाइम मशीन कैसे बनाया जाता है। इससे ये होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट या कोई आदमी अगर टाइम में पीछे जाता है, तो वो एक एंडलेस टाइम लूप को क्रिएट करता है। इस पैराडॉक्स से ये पता चलता है कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल करना थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी टाइम के इस एंडलेस साइकिल के बारे में जिक्र किया था, लेकिन स्टीफन हॉकिंस और रॉजर पेनरोज के मुताबिक वर्महोल में एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं काउची होराइजन। ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपका पास्ट बिल्कुल मिटा देगा। तो जब आप टाइम में पीछे जाओगे, तब आपका कोई पास्ट ही नहीं रहेगा। लेकिन किप थॉर्न ने इसको भी ऑपोज किया था और बताया था कि अगर वर्म होल एग्जॉटिक मैटर से बना है, तो ये सब
पॉसिबल है, लेकिन हम टाइम में उतना ही पीछे जा सकते हैं जहां तक वो वर्म होल बना हो। इसका मतलब अगर एक वर्म होल डायनासोर के टाइम तक ही बना हो तो आप उतना ही पीछे जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। टाइम को लेकर अभी भी रिसर्च चल रहा है और अभी तक इंसान थोड़ा ही जान पाया है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।